हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली बॉक्स ऑफिस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिंबिसारा और सीतारामम इन दो मूवी का 18 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी तक कौन सा मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कलेक्शन किया है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिंबिसारा इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बिंबिसारा तेलुगु इंडस्ट्री की इपिक ड्रामा एक्शन फिल्म है। इस मूवी का लीड रोल में नंदमुरी कल्याण राम सर। इस मूवी का बजट है 30 करोड़ रुपीस और इस मूवी आज यानी कि 18 डे पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कलेक्शन का 30 लाख रुपीस का और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन का 50 लाख रुपीस का और इस मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन का 64 करोड़ रुपीस का और इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर अभी तक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। अब बात करेंगे सीतारामम इस मूवी का बजट और कलेक्शन के बारे में। इस मूवी का लीड रोल में है दुलकर सलमान सर। इस मूवी का बजट है 25 करोड़ रुपीस और इस मूवी आज यानी कि 18 डे पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कलेक्शन का 20 लाख रुपीस, केरला में कलेक्शन का 20 लाख रुपीस और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन का 1 करोड़ 30 लाख रुपीस का और इस मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन का 71 करोड़ रुपीस और इस मूवी अभी तक बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में बिंबिसारा इस मूवी सीतारामम मूवी से बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन किया है, लेकिन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बाहर सीतारामम इस मूवी ने बिंबिसारा मूवी से बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन किया है। तो आपको क्या लगती है लाइफ टाइम पर कौन सा मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है, हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप लोग अभी तक इन दो मूवी को सिनेमा हॉल पर नहीं देखा है तो देख लेना। धन्यवाद।